प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए भिवानी जिला प्रशासन ने सरल केंद्र, ई दिशा केंद्र व अंत्योदय केंद्रों के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो मजदूर हरियाणा के बाहरी राज्यों के रहने वाले हैं तथा अपने गांव जाना चाहते हैं, वे इन केंद्रों के माध्यम से निशुल्क ऑनलाइन पंजीकरण करवा कर अपने राज्य के गांव में जा सकेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद प्रवासी मजदूरों के मोबाइल पर सूचना आएगी कि उन्हें किस तारीख किस समय जाना है। भिवानी जिला मुख्यालय से उन्हें बस के माध्यम से ले जाया जाएगा, जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा व्यवस्था की गई ट्रेनों के माध्यम से वे अन्य राज्यों में जा सकेंगे। अंतर भी आधार केंद्र है, इसमें हमने बिल्कुल फ्री सेवा कर रखी है मजदूरों के लिए। इसके अलावा सरल केंद्र है हमारा सेक्ट्रेट में, वहाँ पे भी बिल्कुल फ्री सेवा है, मजदूर वहाँ से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर बाहर के जो दुकानदार है अगर वो पैसा ले रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये समय समाज सेवा का है, ना कि अपने फायदे का है। अगर ऐसी शिकायत आती है तो नगर परिषद उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किशोर चुनार जी, इसलिए आए थे किशोर चुनार जी, आप और कहाँ के रहने वाले हो? हम सर बारसोई के रहने वाले हैं। दिल्ली से कटिहार के लिए टिकट बनाया थे, 50 रुपये लिया, बोला क्या फ़ोन आएगा आपका नंबर पे, तो यहाँ से बस में जाना होगा दिल्ली, दिल्ली से भी ट्रेन मिलेगा आपको। आप अकेले हैं, आपके साथ कितने लोगों का कराया था आपने? 3 लोगों का। तो ये एक आदमी को 50 रुपये लिए गए? नहीं सर, एक टिकट का 50 रुपये लिया, 3 लोगों। हरियाणा के भिवानी से इंद्रवेश, ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूँ। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूँ और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।